सोलोकास्ट का हाइपर एक्स का सोलोकास्ट माइक। ये जो माइक है वो मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है। अमेज़ोन पे मैंने ये तकरीबन 5,000 में ये परचेस किया है। अभी अमेज़ोन में ऑफ़र चल रहा था तो 32% का डिस्काउंट था, तभी मैंने ये परचेस किया है, वरना इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है। और उसके दूसरे ही दिन इसमें 1,000 रुपया ज़्यादा बढ़ गया था। सो ये माइक जो है करीबन अभी अगर आप लेना चाहो अमेज़ोन में तो 6,000 में मिल रहा है। सो ये जो माइक है वो हाइपर एक्स का है, सोलोकास्ट इसका नाम है, और ये USB माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन के साथ इसमें दूसरा कुछ तो नहीं आता है, सिंपल स्टैंड आता है। अभी आप ये बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वो इसका डिस्क्रिप्शन है पूरा, जो इसके बॉक्स में साथ में आया था वो आपने देखा। तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से इस माइक का आपको यूज़ करना है, किस तरह से म्यूट करना है, किस तरह से कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। पूरी माइक की डिटेल आपको अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा एक पैकिंग जो है बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्टली आप वाटरप्रूफ पूरा पैकिंग है, और अमेज़ोन में से जो ये पैकिंग आया था वो भी आपने देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा था। ये जो है वो USB केबल है इसका, इसमें जो केबल यूज़ होता है वो सी केबल यूज़ होता है, वो आप देख सकते हैं USB 2। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो भी आप साउंड सुन रहे हैं वो इसी माइक में मैंने शूट किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास माइक था वो काम नहीं कर रहा था। उस माइक पे मैंने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था, एक साउंड कार्ड भी मैंने मंगवाया था, और एक मैंने हेडन का पावर सप्लाई भी मंगवाया था, वो और एक माइक भी था। माइक का नाम जो था वो राइट WR800 था, लेकिन वो तीनों सेट करने के बाद भी बहुत अच्छा साउंड नहीं आ रहा था, मतलब आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने थक के फिर ये माइक जो है वो नेट से परचेस किया है, अमेज़ॉन से परचेस किया है। इसकी आप क्वालिटी देंगे देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। इस अगर आप इसको हाथ में अगर आप ले रहे तो बहुत ही हैवी है ये, वो ऐसा फील होता है कि कुछ हैवी चीज़ हमने पकड़ के रखी है। इसका स्टैंड भी बहुत हैवी है। मैंने बाकी नेट पे और यूट्यूब पे वीडियो देखे थे जिसमें ऐसा बता रहे थे कि जो इसका स्टैंड है वो थोड़ा हिलता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। हिलता है लेकिन उतना भी नहीं हिलता है जितना होना चाहिए, और माइक भी जो है वो बहुत ही हैवी है। और ये जो आप बटन देख रहे हैं वो अभी ये म्यूट का है, म्यूट अनम्यूट का, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा पूरा चालू करके। अभी जो ये आप साउंड सुन रहे हैं वो इसी माइक का है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे अप डाउन करने के लिए स्क्रू दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं, और इसको आप इस स्टैंड में से निकाल भी सकते हैं। मैंने इस स्टैंड में से इसको निकाल के ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी माइक का स्टैंड था, वो भी मैंने अमेजोन से ही परचेज़ किया था। और इसको आप 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। और इतना भी वो नहीं है कि गिर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं वो भी हैवी है, ऐसा नहीं है कि माइक अगर हमने अच्छी तरह से नहीं रखा है तो गिर जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है माइक बहुत ही अच्छा है। जितने हमने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से, उसके कंपेरिज़म में बहुत ही अच्छी माइक की क्वालिटी है। और आप इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको माइक को आपके पास नहीं रखना पड़ता है। आप अगर 1 फीट का 12 इंच का डिस्टेंस रख के भी रिकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा साउंड इसका आता है। अभी जो ये आप साउंड सुन रहे हो वो तकरीबन मैंने 1 फीट के डिस्टेंस से ही मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है। पहले दूसरे माइक में क्या होता है कि हमें माइक नज़दीक रखना पड़ता है और थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, तो इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये माइक परचेस करते हो तो बहुत ही अच्छा माइक है। और अभी ये माइक मैंने ऑन कर दिया है अपने कंप्यूटर में, इसको मैंने USB को लगा दिया है।
और अभी आप देख रहे हैं इसमें रेड लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको अगर आपके पास अगर स्टैंड है इसका, तो उस स्टैंड में भी आप फिट कर सकते हो। मैं अभी जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड जो इसके साथ ही है उसको निकाल रहा हूँ, और निकालने के बाद मेरे पास जो अपना स्टैंड है उसमें मैं फिट कर दूँगा, क्योंकि मुझे उस स्टैंड में नहीं मज़ा आ रहा था, तो मैंने अपना जो स्टैंड है उसके अंदर ही इसको फिट कर दिया है। अभी मैं आपको ये फिट करके दिखाता हूँ, और उतना कोई ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं आता है, और इसका साइज़ भी बहुत ही छोटा है, तकरीबन 7 इंच या तो फिर मेरे ख्याल से 7.5 इंच तक की इसकी हाइट है, और बहुत ही हैवी माइक है। आप इसको पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये 500 नहीं 400 300 400 ग्राम से तो ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से। तो एक अच्छी क्वालिटी वाला अगर आपको माइक चाहिए, अच्छा अगर आपको साउंड चाहिए, तो ये माइक जो है वो आपको परफेक्टली आउटपुट देगा। और सिंपल इसको प्लग एंड प्ले ही करना है, सिंपल आप अपने कंप्यूटर में या तो फिर लैपटॉप में डायरेक्टली USB लगा दो, तो ये इसमें बाकी कुछ करना नहीं होता है, बाकी का सारा जो सेटअप है वो ये अपने आप ही कर लेता है, यानी कि प्लग एंड प्ले है। और वन टैप से ये म्यूट होता है, और दूसरी बार उसमें आप टैप करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। अभी जो ये लाइट ब्लिंक हो रही है उसका मतलब ये है कि वो म्यूट था, अभी ये अनम्यूट हो गया है। लाइट अगर ब्लिंकिंग हो रही है तो उसका मतलब ये है कि ये म्यूट है। ये लाइट अगर ये कम्प्लीटली ब्लिंक नहीं हो रही है और कम्प्लीटली ऑन है तो ये अभी ऑन आपका बताएगा। ये अभी आपका साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कभी भी आप बीच में अगर आपको कहीं पे भी कुछ कॉल आ गया, या तो फिर आप किसी ने कुछ पुकार लिया, कहीं भी जाना हुआ, तो आप डायरेक्टली इसको म्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी जो ये मैं फिट कर रहा हूँ वो मेरे स्टैंड में फिट कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना माइक है जो मैंने आपको बताया, इसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी है। ये मैंने कुछ 1800 का या तो फिर 2000 का लिया था, ये भी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, लेकिन इसमें मैंने एक भी वीडियो रिकॉर्ड अब तक नहीं किया है, क्योंकि इसका साउंड आता ही नहीं है। और इसके साथ मैंने हेडन का पावर सप्लाई भी मंगवाया था, वो भी तकरीबन 1500-1700 रुपये का था, तो वो भी कुछ वर्क नहीं करता है। बहुत ही बोगस माइक है ये, आप कभी भी परचेस मत करना। अगर आपको परचेस करना हो तो कोई अच्छी क्वालिटी का माइक हो वही परचेस करना, वरना आपके पैसे बिगड़ जाएंगे जैसे मेरे बिगड़ गए हैं। उसके अलावा मैंने एक V8 साउंड कार्ड करके भी आता है, उसका भी मैंने परचेस किया था। ये देखिए मैंने अभी ये मेरा जो स्टैंड है उसमें मैंने ये कम्प्लीटली फिट कर दिया है। सो ये स्टैंड में भी परफेक्टली आ जाता है। अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो इसी तरह से कर रहा हूँ, इसी तरह से मैंने इसको स्टैंड में फिट किया है, और डायरेक्टली आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा जो स्टैंड में है वो फिट हो गया है। इसके साथ दूसरे किसी कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ये स्टैंड चाहिए और ये माइक चाहिए, तो ये कम्प्लीट फिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैसे फिट हो गया है स्टैंड के साथ, इसमें कोई दूसरे कोई किसी और ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली आप प्लग एंड प्ले है। ये जो आप पीछे जो देख रहे हैं वो हेडन का है पावर सप्लाई, और नीचे से मैंने पावर भी इसको कम्प्लीटली सेटअप किया हुआ था, लेकिन फिर भी जो पुराना माइक है वो नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ये माइक मंगवाया, और आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्लग एंड प्ले है, साउंड भी अच्छा है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है। और इसका स्टैंड जो है वो मैंने अभी निकाल दिया है, साइड में रख दिया है। ये पुराना माइक है जो आप देख रहे हैं, किसी काम का नहीं है। इसकी जो नाम है वो राइट WR 800 है, या कभी परचेस मत करना, बहुत ही बकवास माइक है। उसके बाद फिर मैंने ये अपना जो ये इसमें से जो ये माइक को रखने का जो स्टैंड है उसको भी निकाल के इसमें ट्राई किया था, तो ये भी कम्प्लीटली आ गया था इसके अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे दूसरे YouTube के वीडियो में देखा था कि डायरेक्टली अगर आप इसको ऐसे स्टैंड में लगाते हो तो थोड़ा नॉइज आता है। वो मेरे केस में तो वो नहीं आ रहा है, पता नहीं दूसरे लोगों के जो वीडियो थे उसमें क्यों आ रहा था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास ऐसा ग्रिप है माइक का तो आप डायरेक्टली मत लगाओ, ऐसे ग्रिप हो तो इसके ग्रिप में आप डायरेक्टली लगा सकते हो तो अच्छा आउटपुट आता है। लेकिन मैंने दोनों ट्राई किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने डायरेक्ट भी इसको यूज़ किया, और इस ग्रिप जो आप देख रहे हैं उसमें भी मैंने इसको यूज़ करके देखा, तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया।
डायरेक्टली भी ये अच्छा ही आता है। और इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया और लगाने के बाद फिर मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्ड किया था तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। कई बार क्या होता है कि आप कीबोर्ड में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं या तो फिर अगर आपका फ़ैन चल रहा है या तो फिर आप माउस की जो क्लिक होती है उन सब का आवाज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको कीबोर्ड और माउस का जो क्लिक का आवाज़ है उसको अगर कम करना है तो फिर आप इस तरह का ग्रिप लगा के अगर आप स्टैंड में लगाते हो तो आपके माइक में वो आवाज़ जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया था लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका जो ये ग्रिप है उसमें ऐसे परफेक्ट कंप्लीट फिट आ ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने ये ट्राई किया था, इसमें भी आ जाता है उसमें भी आ जाता है, साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कीबोर्ड की आवाज़ और माउस की आवाज़ भी ऐसे भी कम ही आती है क्योंकि आप कीबोर्ड से थोड़ा दूर रखोगे तो ये आवाज़ कम ही देता है। और आपका जो साउंड लेवल है उसको भी आपको बहुत एकदम हाई नहीं रखना है, हाई से थोड़ा कम रखना है, यानी कि 75-80% तक ही आपको इसका जो साउंड का रिकॉर्डिंग है वो रखना है क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके साउंड को कैप्चर करता है। कि आप थोड़ा अगर आप एक 1.5 फीट से भी आप अगर आप बोलते हैं तो भी ये आपके साउंड को अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेता है। तो कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने ये भी ट्राई करके देखा, दोनों ट्राई करके देखा और स्टैंड में भी मैंने ट्राई करके देखा। सो तीनों में मैंने ट्राई करके देखा था, मुझे कोई साउंड में कोई कीबोर्ड की आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। और मैंने आप देख ही रहे हो कि मैंने ये सब ट्राई करके फिर साउंड रिकॉर्ड करके भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इस तरह से स्टैंड में भी लगा के कर सकते हैं और आप इस तरह से बिना स्टैंड के उसके साथ जो स्टैंड आता है उसी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आता और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और आप जो ये साउंड सुन रहे हो वो इसी माइक का है तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साउंड कितना अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।